पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान बहुत ही अहम मुकाबला पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7:30 पर कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होने वाला है। इस मुकाबले के लिए अगर दोनों टीमों की फाइनल 11 को देखें तो कलंदर्स की जानब से एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक के साथ फ़खर जमान इनिंग्स का आगाज़ करेंगे, जबकि नंबर 3 पे कामरान गुलाम आएंगे। इसी तरह नंबर 4 पे सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज आएंगे और इसी तरह विकेट कीपर बैट्समैन फिल साल्ट नंबर 5 पे आएंगे और नंबर 6 पे हैरी ब्रॉक जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है। इसी तरह डेविड वीज़ा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नंबर 7 पे। नंबर 8 पे आज के मैच में राशिद खान भी शामिल होंगे जिसके बाद वो नेशनल ड्यूटी पे चले जाएंगे। इसी तरह नंबर 9 पे शाहीन शाह अफरीदी जो कि कैप्टन है लाहौर कलंदर्स के। नंबर 10 पे फास्ट बॉलर हारिस रौफ और नंबर 11 पे जमान खान जो कि एमर्जिंग कैटेगरी में पिक किए गए थे, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की फाइनल 11 में एक बार फिर रहमानुल्ला गुरबाज के साथ मुबशर खान इनिंग्स का आगाज करेंगे। नंबर 3 पे दानिश अजीज आएंगे, नंबर 4 पे विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान और इसी तरह नंबर 5 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के कैप्टन आसिफ अली आएंगे, नंबर 6 पर ऑलराउंडर लाइम डॉसन्स, नंबर 7 पर फहीम अशरफ, ये भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसी तरह नंबर 8 पे जाहिर खान और नंबर 9 पे मोहम्मद वसीम जूनियर की आज एंट्री हो सकती है यूनाइटेड्स 11 में और इसी तरह नंबर 10 पे वकास मकसूद और नंबर 11 पे मर्चेंट डी लांगे एक्शन में होंगे। यूनाइटेड्स या कलंदर्स, आज कौन जीतेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।